So hello and welcome to part 2 of the video, how I became the richest player on this Minecraft server. And part 2 के अंदर हम cover करने वाले हैं आगे की थोड़ी सी story. तो let's begin. And start करने से पहले मैं बताना चाहूँगा इस video का like aim है 5 likes क्योंकि ये आसानी से हो जाएगा. And 5 likes होते ही next video 3 से 4 दिनों के अंदर upload हो जाएगा क्योंकि तभी मैं edit करना start करूँगा. मुझे पता है तुम आसानी से नहीं करने वाले हो. तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और नहीं अच्छी लगे तो भी लाइक कर दो. एंड जिसने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है ना, पहले जाके पार्ट 1 देख के आओ. मुझे नहीं पता, पहले जाके पार्ट 1 देख के आओ, और जिसने देख लिया उसको बहुत बहुत थैंक यू. वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चलते हैं वीडियो के अंदर. चलो शुरू करते हैं. तो जैसा कि तुमने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा कि पिछली वीडियो में मैंने 20,000 मनी इन गेम कैश और एक आयरन कार बनाया था जो कि मेरी पिछली वीडियो का गोल था. और मुझे इस सर्वर में इकोनॉमी में नंबर 1 में आना है तो मुझे कंटिन्यूसली मनी के लिए ही काम करना पड़ेगा. और मनी के लिए काम करने के लिए मुझे एक और बेटर ऑप्शन मिल जाता है देव भाई का ये वाला मैसेज, जिसके अंदर उन्होंने क्लियर ही कह रखा है कि उन्हें थोड़ा आयरन चाहिए और मैं भला किसी को आयरन फ्री में क्यों दूंगा. तो मैं थोड़ा पैसा इकट्ठा करने के लिए आयरन माइन करने लग जाता हूँ जिसको मैं आगे स्मेल्ट करके बेचने वाला हूँ. तो चलते हैं सीधे इस बेचने के टाइम पे. सो एट अ टाइम मेरे पास 37 आयरन स्मेल्ट हो जाता है तो मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास 37 आयरन स्मेल्ट हो चुके हैं. और देव भाई भी बोल देते हैं कि AHP लगा दो, मैं खरीद लेता हूँ. मैं ठीक है भाई, और मैं तुरंत ही AHP सेल में लगा देता हूँ 50,000 में 37 आयरन, और वो झटाक से खरीद भी लेते हैं. इसी के साथ मेरे पास हो जाते हैं 70K इन गेम कैश. तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा डायमंड माइन कर लेते हैं. मैं थोड़ी देर में 42 डायमंड्स माइन कर लेता हूँ और मैं RTP करता हूँ एक खुले आसमान को ढूंढते हुए, और वहाँ पे मुझे आइस वाली जगह मिलती है इंक्लूडिंग एंड ओशन मोनूमेंट जो दोनों मेरे किसी काम के नहीं थे. तो मैं RTP करके आगे चले जाता हूँ. और जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरा रिकॉर्डिंग क्रैश हो चुका था तो मेरे को 45 मिनट बाद पता चलता है इसके बारे में. तब तक मैं बहुत सारा वुड माइन कर चुका होता हूँ और थोड़ा सा खाना भी लिया होता है मैंने जानवरों को मार के, और साथ में कुछ जितने मैंने कोबलस्टोन और डीप स्लेट माइन किए थे उनको मैं स्लैब्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि इन फ्यूचर मेरा प्लान था एक कैक्टस फार्म बनाने का फॉर बेटर मनी. पर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है जब रिकॉर्डिंग ख़राब हुआ होता है तो मैं जस्ट AFK करने का सोचता हूँ उसके बाद में. एंड मैं ऑलमोस्ट 45 मिनट का ही AFK करता हूँ, और AFK करने पे मुझे 100K इन गेम कैश एंड 4 लापता की मिलती हैं जिनको मैं स्पिन करता हूँ. तो मैं आ गया हूँ अपनी 4 लापता की को लेके स्पिन करने के लिए, और पहले इसमें मुझे मिलते हैं 16 गोल्ड इंगट जो कि ठीक हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं. और इसके अंदर लापता के डायमंड आर्मर मिल जाता है विद डायमंड टूल्स जिसमें प्रोटेक्शन 2, अनब्रेकिंग 3 और फायर रिस्पेक्ट 1, शार्पनेस 2 ऐसा नॉर्मल होता है विद टोटम उस डायमंड वगैरह. खाने पीने का सामान अच्छा मिल जाता है. तो करते हैं अपना सेकेंड स्पिन. एंड सेकेंड स्पिन मुझे मिलता है एक गोल्डन एप्पल जो कि ठीक है सर्वाइविंग के लिए, तुम्हारी थोड़ी और हेल्प कर देगा. थर्ड में मुझे मिलता है एक लापता क्रॉसबो एंड फोर्थ एंड लास्ट वन
32 डायमंड्स, यस मुझे यहाँ पर 32 डायमंड्स मिलते हैं जो कि मुझे माइन भी नहीं करने पड़े थे यार, बस मैं AFK रहा था। इससे मुझे 100K इन गेम कैश भी मिला एंड 4 लाख पता की, जिससे तुमने देख ही लिया मुझे क्या क्या मिला है। तो मैं AFK पिट को कंसीडर करूँगा, अगर तुम्हारे पास स्टार्टिंग में कोई फार्म नहीं और तुम थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करना चाहते हो तो तुम यहाँ AFK रह सकते हो। तुम्हें 1 घंटे में आराम से ठीक ठीक सामान मिल जाएगा, जैसे तुम लापता की में स्पिन करके थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पाओ या ग्राइंडिंग थोड़ी आसानी से कर पाओ। मुझे पहले इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं पूरे आयरन आर्मर में सब कुछ करता हूँ, नहीं तो मेरे पास भी डायमंड आर्मर होता, बट कोई नहीं। ओके सो द वीडियो एंड्स हियर, और मुझे पता था तुम वीडियो का बहुत वेट कर रहे थे, कुछ बंदे स्पेशली जिनको पता था कि पार्ट टू में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट इतना इंटरेस्टिंग नहीं था आई नो, क्योंकि मेन जो रिकॉर्डिंग थी वहाँ पे वो भी मिसिंग थी और उसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया, तो मैंने इतने अच्छे एडिट नहीं कर पाया। बट आई विल प्रोमिस पार्ट 3 में बहुत अमेजिंग चीज़ होने वाला है, मतलब सही में बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय। एंड द लास्ट एंड अगेन इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो का लाइक एम 5 लाइक्स मैं रख रहा हूँ ताकि पार्ट 3 में अपलोड करूँ, तो जैसे तुम 5 लाइक कर दोगे मैं पार्ट 3 की एडिटिंग स्टार्ट कर दूंगा, तो जल्दी से 5 लाइक कर दो। एंड लास्ट वन, एम्पायर MC ज्वाइन कर लेना, सर्वर का भी तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा होगा। लास्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी फॉर माय फर्स्ट वीडियो वॉइस रिवील, अगली वीडियो और धमाकेदार होगी, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 कमिंग सून।